2020 में रियाज खान को वर्कफोर्स द्वारा हटा दिया गया था। अनेक शिकायतें और अनियमितताएं उनके खिलाफ थी तो उनको वर्कफोर्स ने हटा दिया था। उसके बाद 2021 में मेरी अध्यक्षता वाली कमेटी यहाँ पर बनाई। अनेक शिकायतों के बाद हमें यहाँ पता चला कि वर्कफोर्स की जानकारी में 15 दुकान है और भौतिक रूप से यहाँ पर 115 दुकानों का बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और 2 स्कूल है, मैरिज हॉल है। फिर इन सभी भौतिक सत्यापन के लिए, निरीक्षण के लिए और लेखा जोखा जो कि रियाज खान द्वारा सालों से कोई हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा था, तो वर्कफोर्स की एक जांच कमेटी बनाई गई। और वर्कफोर्स की जांच कमेटी ने जब यहाँ जांच की तो पाया गया कि यहाँ तो 115 दुकानों का भव्य मार्केट बना हुआ है, स्कूल है और मैरिज हॉल है और इसका किराया 26 वर्षों से उनकी जेब में जा रहा है और वर्कफोर्स को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो इसको लेकर के वर्कफोर्स ने 7 करोड़ 11 लाख का नोटिस रियाज खान को जारी किया है। अगर वसूली नोटिस के बाद भी वो पैसा जमा नहीं कराते तो उनके ऊपर RRC जारी होगी और पैसा वसूला जाएगा। पैसा आपका पूरा नाम है, बता देता हूँ। 2020 में रियाज खान को हटाने के बाद भी उसके पश्चात भी ये धमकाकर डराकर और दुकानदारों को भ्रमित करके किराया वसूल कर रहे थे। तो इसको लेकर के हम खारकवा थाने पे हमने शिकायत की है और खारकवा थाने ने धारा 394 के तहत उन पर प्रकरण दर्ज किया है और मामले को जांच में लिया है। आपका पूरा नाम है? फैजान खान, अध्यक्ष वक्त मस्जिदे मजार मदारसा उज्जैन। सिर्फ मामला दर्ज हुआ वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष पद को लेकर था उसमें क्या मामला पूरा? ये थाना खारकवा क्षेत्र में स्थित मदार गेट कॉम्प्लेक्स जिसमें दुकानें हैं और अन्य स्थल हैं जो कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष फैजान खान ने एक आवेदन पेश किया था कि इनके पूर्व अध्यक्ष रियाज खान के द्वारा अनधिकृत रूप से डरा धमका कर दुकानों का किराया वसूल किया जा रहा है। क्योंकि रियाज खान को वक्फ बोर्ड के द्वारा पहले ही निष्कासित कर दिया गया था अध्यक्ष पद से, फिर भी वह दुकान वालों से डरा धमका कर किराया वसूल कर रहा था, जिसके संबंध में आवेदन की जाँच के दौरान जो भी दुकान धारक हैं उनके कथन नोट किए गए। इसके बाद जाँच उपरांत थाना खारकुआ पर IPC 384 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आगे क्या कार्रवाई? अब संबंधित की गिरफ्तारी और जो भी अन्य विवेचना कार्य आगे किया जाएगा और वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों के कथन भी इसमें लिए जाएंगे।